हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 12 के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा है, प्रथम अफीम युद्ध के कारणों तथा परिणामों का वर्णन करें। अफीम के व्यापार को बंद कर देने के कारण ब्रिटिश व्यापारियों को बहुत अधिक नुकसान था, अतः वे इस बात के लिए उत्सुक थे कि चीन के साथ युद्ध प्रारंभ कर व्यापार संबंधी नई सुविधाएं प्राप्त करें। पर ब्रिटेन और चीन के युद्ध का एकमात्र कारण अफीम की समस्या ही नहीं थी। इस युद्ध के कारणों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, ब्रिटिश लोग चाहते थे कि चीन में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करें। 19वीं सदी के शुरू तक भारत के अनेक प्रदेश ब्रिटेन के प्रभुत्व में आ चुके थे और वहां ब्रिटेन का आधिपत्य निरंतर बढ़ता जा रहा था। पूर्वी एशिया के भी अनेक प्रदेशों और द्वीपों पर ब्रिटिश लोग अपना शासन स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। वे समझते थे कि चीन की निर्बलता से लाभ उठाकर वहाँ भी अपना प्रभाव व प्रभुत्व काम किया जा सकता है। दूसरा, इस युग में यूरोपियन लोगों में अपनी उत्कृष्टता की भावना भली भांति विकसित हो चुकी थी। व्यावसायिक क्रांति और वैज्ञानिक उन्नति के कारण यूरोप के देश एशिया के देशों के मुकाबले में उन्नति की दौड़ के बहुत आगे निकल गया था। इसलिए उनमें यह विचार बदमूल हो गया था कि हम एशिया और अफ्रीका के निवासियों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं। प्रभुत्व शक्ति राज्यों की एक अनिवार्य विशेषता होती है। चीन भी एक प्रभुत्व शक्ति संपन्न राज्य है और उसे यह अधिकार है कि व्यापार आदि के संबंध में सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि विदेशी व्यापारी केवल हो को होंग द्वारा ही व्यापार कर सकें, जनता और सरकार के साथ उनका सीधा संपर्क ना हो। पर ब्रिटिश लोग कहते थे कि कैंटन में स्थित उनका सुपरिटेंडेंट ब्रिटेन का प्रतिनिधि है। चीन की सरकार को चाहिए कि उसके साथ वैसा व्यवहार ना करे जैसा कि साधारण व्यापारियों के साथ किया जाता है। उसे ब्रिटेन का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए। 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर दिया गया था और अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भी यह अधिकार दे दिया गया था कि वे कैंटन में स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सके। इस दशा में ब्रिटिश सरकार ने अपनी ओर से वहां एक सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति कर दी थी जो विविध ब्रिटिश व्यापारियों के कार्यों पर निगाह रखता था। 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का अंत हो जाने के बाद सुपरिटेंडेंट के इस पद पर लॉर्ड नेपियर की नियुक्ति की गई थी। कैंटन में लॉर्ड नेपियर का कार्य राजनीतिक नहीं था, उसकी नियुक्ति केवल व्यापार के लिए हुई थी। इस दशा में चीन की सरकार को यह अधिकार था कि वह उसके साथ कोई संबंध ना रखे। बिन की सरकार का कहना था कि सरकार का व्यापार के मामलों से कोई संबंध नहीं है, इसका कार्य केवल यह है कि वह जनता पर शासन करे और अपराधियों को दंड दे। व्यापार सदृश विषय ऐसे हैं जिनका संबंध व्यापारियों से होता है, राज्य से नहीं। इसलिए यदि चीनी सरकार लॉर्ड नेपियर से कोई संबंध रखना चाहती थी तो इसमें कोई अनुचित नहीं था। पर ब्रिटिश लोग समझते थे कि चीनी सरकार उन्हें नीची निगाह से देखती है और इसलिए ब्रिटेन के प्रतिनिधि से वह कोई संबंध नहीं रखना चाहती। पर वास्तविक बात इससे ठीक उल्टी थी। कैंटन में विद्वान ब्रिटिश व्यापारी अपने को केवल व्यापारी ही नहीं समझते थे, वे चीन में ब्रिटिश प्रभाव को स्थापित करने के लिए भी उत्सुक थे। इसलिए वे यह कहते थे कि क्योंकि उनका सुपरिटेंडेंट ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त है, अतः वह यह अधिकार रखता है कि व्यापार विषयक मामलों पर सम्राट और उसके उच्च अधिकारियों से ब्रिटिश राजदूत के रूप में विचार विनिमय कर सके। चीन की सरकार ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। ब्रिटिश और चीन में जो विरोध बढ़ रहा था उसमें यह एक प्रधान कारण था। कैंटन में निवास करने वाले ब्रिटिश लोग कानून की दृष्टि से चीन के अधीन है या नहीं, इस प्रश्न पर भी ब्रिटेन और चीन में मतभेद था। 1784 में एक अंग्रेज की बंदूक से एक चीनी नागरिक की हत्या हो गई थी। चीन की सरकार का कहना था कि इस अंग्रेज को चीनी पुलिस के सुपुर्द किया जाए और चीनी अदालत में उसके अपराध का निर्णय हो। पर ब्रिटिश लोग कहते थे
यह संभव नहीं है कि कोई अंग्रेज चीन की अदालत के सम्मुख पेश हो सके और वहां उसका अपराध का निर्णय किया जाए। 1784 के इस मामले में उस अंग्रेज को गिरफ्तार करके चीनी अदालत द्वारा प्राणदंड दिया गया। अंग्रेज लोग इससे बहुत असंतुष्ट हुए। 1793 में मैकार्थ ने नामक अंग्रेज के नेतृत्व में एक ब्रिटिश मिशन ने यह प्रयत्न किया कि कैंटन की अंग्रेजी बस्ती में अंग्रेजी अदालत द्वारा अंग्रेजों को स्वशासन का अधिकार मिल जाए और अंग्रेज अभियुक्तों का निर्णय अंग्रेजी अदालत द्वारा ही किया जाए करे। पर इस प्रयत्न में मैकार्थ ने मिशन की सफलता नहीं हुई। 1793 के बाद भी अनेक ऐसे मामलों पेश आए जिनमें ब्रिटिश अभियुक्तों पर चीनी अदालतों में मुकदमे दायर किए गए और वहां उन्हें दंड दिया गया। ब्रिटिश लोग इस बात से बहुत असंतुष्ट थे। उन्हें यह अत्यंत अपमानजनक प्रतीत होता था कि चीन का न्यायाधीश किसी अंग्रेज के मामलों का निर्णय करे। अफीम की समस्या ब्रिटेन और चीन के इस युद्ध का प्रमुख व तत्कालिक कारण थी। 1839 में चीन की सरकार ने कैंट में एक विशेष राज कर्मचारी की नियुक्ति की जिसे अफीम के व्यापार का अंत करने का कार्य सुपर्द किया गया। उसने ब्रिटिश और एन यूरोपियन व्यापारियों को इस बात के लिए विवश किया कि उसके पास अफीम की जो पेटियों हो उन सब को वे सरकार के सुपुर्द कर दे ताकि उन्हें नष्ट कर दिया जाए। इस राज कर्मचारी ने यह भी कहा कि यूरोपियन व्यापारियों को यह भी आश्वासन देना होगा कि वे भविष्य में फिर कभी अफीम को कैंटन में नहीं लाएंगे। ब्रिटिश व एन यूरोपियन व्यापारियों ने अपने पास विद्यमान अफीम को तो चीनी राज कर्मचारी के सुपुर्द कर दिया पर वे भविष्य के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका ख्याल था कि शक्ति का उपयोग कर वे चीन की सरकार के आदेश की उपेक्षा कर सकते हैं। इस दशा में युद्ध का आरंभ हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। चीन और ब्रिटेन का युद्ध 1839 से 1842 तक चीन और ब्रिटेन में युद्ध जारी रहा। इस काल में ब्रिटिश जल सेना ने कैंटन का घेरा डाल दिया। समुद्र में ब्रिटेन की शक्ति का मुकाबला कर सकना चीन के लिए कठिन था जिसके कारण प्रशांत महासागर के तटवर्ती अनेक नगर और द्वीप ब्रिटेन के कब्जे में आ गए थे। ब्रिटिश सेना ने चीन क्रियांग को जीतकर नानकिंग पर भी हमला करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इस दशा में चीनी सरकार ने यह उचित समझा कि ब्रिटेन के साथ समझौते की बात प्रारंभ की जाए। अस्त्र शस्त्र और सैन्य शक्ति की दृष्टि से इस समय चीनी लोग ब्रिटेन के साथ मुकाबला नहीं कर सकते थे। 29 अगस्त 1842 के दिन चीन और ब्रिटेन में समझौता हो गया। यह समझौता नानकिंग की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। नानकिंग की संधि 1842। इस संधि की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी। ब्रिटिश लोगों ने न केवल कैंटन में अपितु अमोय फुचो निकप्पो और शंघाई में भी बसने और व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो। हांगकांग का द्वीप ब्रिटेन को मिले। चीन और ब्रिटेन के राज कर्मचारी परस्पर समानता के आधार पर रहे। चीन के निर्यात और आयात माल पर किस हिसाब से कर लगाया जाए इसकी दरें निश्चित कर दी जाए और इन दरों को प्रकाशित कर दिया जाए ताकि उनके संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की गुंजाइश ना रहे। को हांग को तोड़ दिया जाए और ब्रिटिश व्यापारी चीनी व्यापारियों के साथ स्वतंत्र रूप से माल का क्रय विक्रय कर सके। चीन की सरकार ब्रिटेन को 10 करोड़ रुपया हर्जाना दे। इसमें से 3 करोड़ रुपया इस अफीम की कोमल थी जो चीन की सरकार के विशेष कर्मचारी ने ब्रिटिश लोगों से छीन कर नष्ट कर दी थी। 6 करोड़ रुपया लड़ाई के खर्च के लिए चीनी सरकार को हर्जाना देना पड़ा था और शेष रकम वह थी जो कि हांग के व्यापारियों को प्रदान की जानी थी। इन राज्यों से संधियां। नानकिंग की संधि के बाद इन पश्चिमी देशों ने भी चीन से इसी ढंग की संधियां करने का प्रयत्न किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति मी टाइलर ने मी कशिंग को चीन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा और वक़ा सुपुर्द किया गया कि वे चीन जाकर सम्राट से मिले। यदि सम्राट से भेंट कर सकना संभव ना हो तो वे किसी राज पदाधिकारी से मिलकर चीन के साथ संधि स्थापित
करने का प्रयत्न कर राज पदाधिकारी से कि मिक काशिंग मकाओ पहुंचे हुए पेकिंग गए, इस थाने में टीम नहीं मिल सके, पर चीन के साथ संधि करने में सफल हो गए। इस अमेरिका संधि की शर्तें प्राय वही थी जो नानकिंग की संधि की थी, पर इसमें एक शर्त नई भी थी जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस शर्तों के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि चीन के किसी नागरिक के खिलाफ यह अभियोग हो कि उसने किसी अमेरिका नागरिक के साथ किसी प्रकार की फौजदारी की है, तो उस पर चीनी अदालत में मुकदमा चले और उसे चीनी कानून के अनुसार दंड दिया जाए। इसी प्रकार यदि किसी अमेरिकन नागरिक के विरुद्ध फौजदारी का कोई अभियोजन हो तो उसका फैसला अमेरिकन अदालत में अमेरिकन कानून के अनुसार किया जाए। ऊपर से देखने पर यह शर्त बहुत उचित और न्याय प्रतीत होती है, पर इससे चीन में उस पद्धति का प्रारंभ हुआ जिसे अंग्रेजी में एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी कहते हैं। या तो उचित था कि चीन के नागरिकों के मुकदमों का फैसला चीनी अदालत में हो, पर प्रभुत्व शक्ति संपन्न चीनी राज्य को अमेरिकन अभियुक्तों के अपराधों का फैसला करने का अधिकार ना हो। या बात चीन की प्रभुत्व शक्ति संपन्नता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सर्वथा विपरीत, दीवानी मामलों में भी अमेरिकन नागरिकों के मुकदमों का फैसला अमेरिकन लोग चीन की सरकार के शासन में नहीं रह गए। चीनी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी और उन्हें किसी भी प्रकार का दंड दे सकती थी। इस व्यवस्था के कारण चीन में विदेशी लोगों के एक इस प्रकार के प्रभुत्व का सूत्रपात हुआ जिसने चीन की प्रभुता और स्वतंत्रता सत्ता को भारी आघात पहुंचाया। अमेरिका के बाद ब्रिटेन और अन्य यूरोपियन राज्यों ने भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी के इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त किए। अमेरिका और ब्रिटेन के अनुकरण में कुछ समय बाद फ्रांस ने भी चीन की सरकार के साथ संधि की। इस संधि में एक विशेष बात यह थी कि फ्रांस के रोमन कैथोलिक मिशनरियों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे कैंटन तथा अन्य बंदरगाहों में, जो कि अब यूरोपियन व्यापारियों के लिए खोल दिए जा चुके थे, अपने गिरजाघरों का निर्माण कर सके और अपने धर्म का भी यही अधिकार दिए। एक और रोम कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट पादरी गिरजाघरों के निर्माण एवं धर्म प्रचार के कार्य के लिए सर्वथा स्वतंत्र हो गए। संधियों का परिणाम। ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के साथ जो संधियां 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से में की गई, उनका मुख्य परिणाम यह हुआ कि चीन के विशाल प्रदेश पश्चात देशों के साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए खुल गए। इन संधियों का प्रयोजन केवल यही नहीं था कि पश्चात लोग इन संधियों द्वारा चीन में ऐसे अधिकारों को भी प्राप्त कर रहे थे जो आगे चलकर उनकी प्रभुता व शक्ति की स्थापना में बहुत अधिक सहायता सिद्ध हुए। कैंटन आदि बंदरगाहों में अब पश्चात देशों की व्यापारिक कोठियों के साथ साथ उनकी बस्तियां भी विकसित होनी शुरू हुई। इन बस्तियों में वे देश अपनी सेनाएं रखते थे और अपने देशवासियों का शासन भी स्वयं करते थे। व्यवसायिक और वैज्ञानिक दृष्टि से चीनी लोग पश्चात लोगों के मुकाबले में पिछड़े हुए थे। सैनिक दृष्टि से उनकी शक्ति पश्चात देशों की अपेक्षा कम थी। इस स्थिति से लाभ उठाकर पश्चात देश इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि चीन की सरकार पर सब प्रकार से दबाव डालें और उसे विदेशियों को सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विवश करें। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।